खुशामदीद आप सबका एक और नए वीडियो में आज का वीडियो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम पे है ये एक और फंक्शन है इकोसिस्टम की लास्ट वीडियो में हमने इकोलॉजिकल पायरामिट्स के बारे में डिस्कस किया था ये सीरीज़ है हमारे वीडियोस की अबाउट द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम एक सीरीज है कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है और फूड चेन और फूड वेब फूड चेन जैसे कि आप समझते हैं एक सिंगल आइडेंटिफाइबल चेन होती है बिटवीन प्रे एंड प्रीडेटर के बारे में और फूड वेब जो होता है ये इंटरलिंकेज या इंटरलिंकिंग ऑफ वेरियस फूड चेन्स होता है तो हमारे पास जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज़ सन जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम है तो सन से जो एनर्जी आती है हमारे पास यूजुअली तीन फॉर्म्स में आती हैं जो सबसे बड़ी फॉर्म्स है तो इसमें हमारे पास अल्ट्रा रेडिएशन विजिबल रेडिएशन एंड इंफ्रा रेडिएशन आता है और हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म्स है लिविंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज़म्स वो विज़िबल लाइट से फोटोसिंथेसिस करते हैं और यही एनर्जी फोटोसिंथेसिस के बाद ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू हर्बिवर्स टू कॉर्नीवर्स टू टॉप कॉर्नीवर्स तो ये एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है दैट मींस ये सन से होके प्रोड्यूसर्स में जाती हैं वो केमिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं और वही एनर्जी हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स में एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ बायोमास उसमें भी ये केमिकल फॉर्म में होती है एंड एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स डाइजेशन के द्वारा ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट या डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होती है आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि की कंसेप्ट क्या है जिसपे एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम काम करता है तो फर्स्ट इज ट्रॉपिक लेवल्स तो हमारे पास ट्रॉपिक लेवल्स क्या होती है ये पोजीशन होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की फूड चेन में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हमारे पास क्या है प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है क्या पोजिशन है एट वेरियस लेवल्स जैसे प्रोड्यूसर्स में देन प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको हम वोर्स कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जिनको हम कार्निवोर्स कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स जिनको हम टॉप कार्निवोर्स बोलते हैं और ये एनर्जी फ्लो थर्मोडाइनमिक्स लॉ ऑफ एनर्जी को पूरी तरीके से फॉलो करता है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफार्म तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई होता है जैसे कि सन से एनर्जी आती है वो कन्वर्ट होती है इनटू द केमिकल फॉर्म तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होता है तो बीच में ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल कुछ एनर्जीज लॉस भी हो जाती है बट ओवरऑल एनर्जी सेम होती है डिस्ट्रॉय नहीं होती है नहीं एनर्जी क्रिएट नहीं होती है बट ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज़ एनर्जी लॉस जैसे कि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल तो ये इसका कुछ पोर्शन जो है हीट में लॉस हो जाता है फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स ओनली ट्रांसफ़र 90% परसेंट ऑफ द एनर्जी दैट दे रिसीव फ्रॉम द सन तो 90% परसेंट ऑफ एनर्जी हीट में या डिफरेंट uh, जो है एक्टिविटीज़ में वो ज़ाया हो जाता है तो ओवर दी ट्रॉपिक लेवल्स ग्रेजुअली हमारी जो एनर्जी लेवल्स है वो डिक्रीज होती रहती है नाउ पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो तो पहले ही हमारे पास जो सोर्स है एनर्जी का दैट इज सोलर रेडिएशन तो प्लांट्स इसको कैप्चर करते हैं कन्वर्ट करते हैं इनटू द केमिकल एनर्जी दैट इज़ ग्लूकोज और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मींस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम प्लांट्स कितनी फोटोसिंथेसिस करेंगे दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो ये एनर्जी सन से आती है तो प्लांट्स कितनी फोटोसिंथेसिस uh, करेंगे कितना ग्लूकोज बनाएंगे कितनी केमिकल एनर्जी में इसको कन्वर्ट करेंगे दैट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो प्रोडक्टिविटी हम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे टाइम भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये एनर्जी ग्रेजुअली हमारे पास ओवर द फूड चेन ट्रांसफ़र होती है तो ये इसको हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे तो दूसरी टर्म हमारे पास है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रॉप्स प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोडक्ट प्रोडक्टिविटी करते हैं प्रोडक्शन करते हैं इसमें कुछ प्लांट्स एनर्जी यूज़ करते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन तो रिमेनिंग जो अमाउंट होता है वो बायोमास के फॉर्म में जो है कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होता है तो जैसे इन द फॉर्म ऑफ लीव्स होगा स्टेम होगा रूट्स होगा फ्रूट्स होगा तो वो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन जाता है तो ओवरऑल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन अगर ज़्यादा होगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम होगी तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक बेस होता है कि हरबी वर्स के लिए कितनी एनर्जी अवेलेबल है या प्राइमरी कंज्यूमर्स के लिए कितनी एनर्जी अवेलेबल है और यही एनर्जी सब्सिक्यूटली ओवर द ट्रॉपिक लेवल्स 10% ही ट्रांसफ़र होती है 90% जो है वेस्ट हो तो ओवर द ट्रॉपिक लेवल्स जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो खाली 10 परसेंट होती है और हमारे पास रेस्ट ऑफ द 90 परसेंट जो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट जैसे कि देख सकते हैं आप एवरी ट्रॉपिक लेवल पे इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट ऑफ एंड डेड मैटर जो प्रोड्यूस होता है एट ई ट्रॉपिक लेवल तो ये नाइन्टी एनर्जी जो है लॉस हो जाता है जो कि चली जाती है डिकम्पोजर्स के पास और डम्पोजर्स इसको डिकम्पोज करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पोर्शन हीट में कन्वर्ट हो गया तो ये एटमोसफेयर में चली जाएगी और जो हमारे पास डेड ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स का प्रोड्यूस होता है हर्बीवोर्स का कार्निवोर्स का तो वो भी डिकम्पोज होता है तो इसमें भी एनर्जी होती है तो अगर हम आ, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए कितना आ, जो है एनर्जी अवेलेबल होगी तो एनर्जी अवेलेबल एट प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल उसका जो है 10% परसेंट ही यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर पॉइंट वन से करेंगे तो वो 10% परसेंट बनता है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ट्वेंटी किलो कैलरीज़ पर स्क्वायर मीटर पर ईयर है तो नेक्स्ट जो लेवल है बीवोर्स के लिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट वन से तो वो ओनली टू थाउजेंड किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर बनता है तो ग्रेजुअली अगर हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं पॉइंट वन से एट ईच ट्रॉपिक लेवल तो एट लास्ट जो हमारा टॉप कॉर्निवोर होगा उसके पास खाली ट्वेंटी किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर ईयर ही अवेलेबल होगा और प्लांट्स के पास कितना है 20,000. तो ये हर एक ट्रॉपिक लेवल पे डिक्रीज होती रहती है अगर इसके ऊपर भी एक और ट्रॉपिक लेवल हो जाएगी देन उसके पास 0.2 टू कैलो किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर ही अवेलेबल होगा तो ये है हमारे पास ओवर द ट्रॉपिक लेवल्स कितनी एनर्जी डिक्रीज़ होती रहती है अब एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में कैसे होता है इसको समझने के लिए डिफरेंट मॉडल्स uh, जो है प्रिपेयर किए गए हैं बाय डिफरेंट ऑथर्स फॉर एग्जांपल ये एक लीनियर मॉडल है तो यहाँ पे जो साइज़ ऑफ दिस बॉक्स इट सिग्निफाइज द एनर्जी लेवल तो ग्रेजुअली ये साइज़ कम होता जा रहा है और इसका मतलब है एनर्जी डिक्रीज होती रहती है तो यहाँ पे ग्रास ये मानो ऑटोट्रॉप्स है डियर हर्बीवोर्स है और टाइगर कार्निवोर्स है तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है कि कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा दैट इज एट मोट्रॉपिक लेवल फॉर एग्जांपल एट ऑटोट्रॉप्स तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है तो एफिशिएंसी इज ट परसेंट तो टेन परसेंट ही एनर्जी ट्रांसफर होती है रेस्ट जो है डेड ऑर्गेनिक होता है कुछ पोर्शन अनयूटिलाइज रहता है रेस्पिरेशन होती है हर uh, भी रेस्पिरेशन करते हैं रेस्पिरेशन में हीट जनरेट होती है डिकम्पोजन होता है तो ये लीनियर मॉडल से हम समझते हैं कि वो ग्रेजुअली और द ट्रॉपिक लेवल एनर्जी डिक्रीज होती रहती है दूसरा एक मॉडल है uh, जिसको हम यंग वाई शेपड एनर्जी मॉडल बोलते हैं तो इसमें इलस्ट्रेशन है कि दोनों हमारी जो टाइप्स ऑफ फूड चेन्स हैं चाहे ग्रीजिंग फूड चेन हो या डेट्राइटस है दोनों साथ, साथ चलते हैं तो इस ये सिग्निफाई करता है कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या डिकम्पोजर्स है उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इन इको सिस्टम तो यहाँ पर हमने जो लीनियर मॉडल में वहाँ पर हमने जब डेड ऑर्गेनिक मैटर की बात करी थी तो वो एक नई फूड चेन को जन्म देता है तो यहाँ पर ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन है प्लांट्स हरबीवर प्रीडिएटर्स या कंज्यूमर्स तो दिस इज अ ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन साथ ही साथ यहाँ पे एक और फूड चेन चलती है जिसको हम डेटराइटस डेटराइटस वो फूड चेन होती है जो डेड ऑर्गेनिक मटीरियल से स्टार्ट होती है प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स से डेड ऑर्गेनिक मटीरियल होता है तो उसमें डिफरेंट माइक्रो जो है उसको डिकम्पोज करते हैं तो वहाँ से फूड चेन स्टार्ट होती है ये हर्बीवोर से भी हो सकता है कार्निवोर से भी हो सकता है तो सारे तो मॉडल ऑफ uh, जो फ्लो ऑफ एनर्जी में इसमें एक और मॉडल है दैट इज पायरेमिड एनर्जी मॉडल तो यूजुअली हर एक मॉडल में हमें एक ही चीज़ बताई जाती है कि कैसे एनर्जी लॉस होता है एट एवरी ट्रॉपिक लेवल तो यहाँ पे पायरेमिड में जो साइज है तो ये सिग्निफाई करता है लेवल ऑफ एनर्जी तो यहाँ पे जैसे पहला पहली बार इससे पहले भी हमने स्लाइड में डिस्कस किया था जो एनर्जी लेवल है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे उसका टेन परसेंट ही ट्रांसफ़र होता है तो मीन्स जो अगर हम किसी पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी देखना चाहते हैं तो हमें उसकी प्रीवियस जो ट्रॉपिक लेवल है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पॉइंट वन तो यहाँ पे इसमें एनर्जी ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर्स तो ग्रेजुअली एनर्जी जो है डिक्रीज हो ची जाती है ओवर द ट्रॉपिक लेवल हमारे पास एक और मॉडल है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी मॉडल जिसको लिंडमैन मॉडल भी बोलते हैं तो ये डेवलप किया था बाय रॉयमेंड लिंडमैन तो इसमें जो है क्वांटिफिकेशन ऑफ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है तो हम इकोलॉजिकल एफिशिएंसी को कैसे हम डिराइव करेंगे तो यहाँ पे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी एनर्जी एट ट्रॉपिक लेवल डिवाइडेड बाय एनर्जी एट प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड तो ये एफिशिएंसी हम जान सकते हैं कि इट इज़ नॉट मोर देन टेन परसेंट जो कि हमने पूरे लेक्चर में एक ही फोकस रहा है कि टेन परसेंट से ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र ही नहीं होती है तो अगर हमें एक एग्जाम्पल के uh, से हम uh, जानना चाहते हैं तो अगर हरबीवोर्स कंज्यूम करते हैं वन थाउजेंड किलो कैलरीज फ्राम प्रोड्यूसर्स और एसिमुलेट करते हैं वो एसीम्युलेट करते हैं ऑनली हंड्रेड किलो कैलोरीज मीन्स वो अपनी बॉडी में कितना जमा करते हैं रेस्ट ऑफ द 900 हंड्रेड किलो कैलोरीज दे गेट वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेस्परेशन हीट जनरेशन और वेस्ट प्रोडक्शन ठीक है तो ये हमारे पास लिडमैंस रूल भी है कि 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होती है ओवर द ट्रॉपिक लेवल्स अब क्या एप्लीकेशंस है इन एनर्जी फ्लो मॉडल्स की फ़र्स्ट ये एस्टीमेट करता है एनर्जी प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी तो मॉडल हेल्पस इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्टिविटी एंड एनर्जी अवेलेबिलिटी क्रूशियल फॉर मैनेजिंग एंड कंजर्वेशन एरियाज तो ये एक इसकी एप्लीकेशन है दूसरी एप्लीकेशन है प्रिडिक्टिंग पॉपुलेशन डायनेमिक्स। बाय एनालाइजिंग एनर्जी फ्लो वी कैन प्रिडिक्ट पॉपुलेशन साइज बेस्ड ऑन एनर्जी अवेलेबल एट ईच लेवल ईच ट्रॉपिक लेवल उसके अलावा इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इन सस्टेनेबल सिस्टम्स मॉडल असिस्ट इन आइडेंटिफाई एनर्जी एफिशेंट फूड वेब्स एडिंग इन डिजाइन एंड सस्टेनेबल एग्रो इकोसिस्टम्स उसके बाद इम्पैक्ट ऑन एनर्जी लॉस ऑन फूड चेन लेंथ तो ओवर द ट्रॉपिक लेवल हमें एनर्जी तो डिक्रीज़ होती रहती है टेन परसेंट तो यूजुअली हमारी जो ट्रॉपिक लेवल्स है चार से पाँच से ज़्यादा नहीं हो सकती है बिकॉज ग्रेजुअली जब एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती है होती जाती है तो टॉप जो हमारे पास ट्रॉपिक uh, लेवल होता है ट्रॉप के जो पॉपुलेशन होता है वो उनके पास एनर्जी नहीं अवेलेबल रहती है तो यूजुअली जो इकोसिस्टम uh, में जो हमारे पास फूड uh, चेन होता है उसमें फोर या फाइव से ज़्यादा जो है ट्रॉपिक लेवल्स नहीं होती है तो इस लेक्चर में हमने कुछ इक्वेशंस जो है डिस्कस किए जो हम फिर से रिकैप करेंगे फर्स्ट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है एनर्जी कैप्चर्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस मीनस कि प्लांट कितने फोटोसिंथेसिस करते हैं सेकंड इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन जो प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं उसके अलावा एनर्जी एट नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है एनर्जी एट uh, जो है किसी लेवल पे उसको uh, जो है प्रीवियस लेवल पे जो एनर्जी होती है प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी होती है उसको मल्टीप्लाई करना है पॉइंट वन से उसके बाद हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इकोलॉजिकल एफिशिएंसी एनर्जी एट ट्रॉपिक लेवल डिवाइड बाय एनर्जी एट प्रीवियस लेवल मल्टीप्लाई बाई वन तो ओवरऑल ये दो इक्वेशन आपको इन अदर सेंस सेम ही मिल जाएंगी बिकॉज दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा तो ये था थोड़ा सा अबाउट द एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम जो कि सेकंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम सिस्टम थी Thank you for watching.